नमस्कार दोस्तों। तो आज 1 जनवरी के साथ हम शुरू करते हैं यहाँ पे आपका एक नया क्लास, जो कि है आपका यहाँ पे डिफरेंस यानी कि भिन्नता से संबंधित है। यहाँ पे आपका भिन्नता से संबंधित यहाँ पे तो यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले डिफरेंसेस यानी कि भिन्नता के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम SSC GD का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो या फिर आपका यहाँ पे CHSL का, MTS का, UP पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, या फिर BR SSC या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जैसे कि अभी DLED का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद आपका BED का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड SSC का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यानी किसी भी एग्ज़ाम में ये रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हम आज टॉपिक वाइज बता रहे हैं। 1 जनवरी से शुरुआत करने डिफरेंस यानी भिन्नता के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न कि नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से भिन्न है? ये ऐसे होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो ये 4 है आपके पास। पहला है गौरैया, तोता, राजहंस, कोयल। तो चारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समानता है। भिन्नता का मतलब पहले समझिए, जैसे डिफरेंसेस का मतलब समझिए कि मान के चलिए जैसे कि हमारा हाथ पैर और उंगली दिया हो और एक दे दिया हो आपका कपड़ा। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, तो हाथ पैर उंगली आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि आपके शरीर के अंग हो गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी में, लेकिन जो कपड़ा हुआ वो आपका अलग हो गया। तो इसी तरह से भिन्नता इसे कहते हैं। तो यहाँ पे नोट करिएगा कि गौरैया, तोता और कोयल ये तीनों अलग पक्षी। तो गौरैया, तोता, कोयल ये तीनों हमारे अलग पक्षी के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, लेकिन आपका राजहंस जो है ये सब में अलग है। तो आपका ऑप्शन सी राजहंस यहाँ पे सही होने वाला है। राजहंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से भिन्न है? शेर है, चीता है, घोड़ा है, जिराफ है, या 4 है? तो चारों को अगर हम नॉर्मली भिन्नता अगर जांचें तो चारों की हाइट अगर देखें तो हाइट के मामले में आपका जिराफ ज़्यादा हाइट हो जाता है। पहला ये हम नोट पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लें कि शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, तो यहाँ पे आपका ये घोड़ा और जिराफ आपका शाकाहारी में आ जाते हैं, शाकाहारी प्राणी में, और आपका यहाँ पे चीता और शेर मांसाहारी प्राणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। अगर हम बात करें कि कौन सा सब संख्या बाकियों से भिन्न है, अगर 2 ऑप्शन रहता तो 3 ऑप्शन रहता तो नॉर्मली सी बात था कि जिराफ या घोड़ा में कोई एक हो जाता, लेकिन यहाँ तो बात नहीं बन रही। तो अगर हम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट अगर करें तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेर, चीता, जिराफ ये तीनों के तीनों जो हैं जंगली जानवर हैं, लेकिन यहाँ पे आपका घोड़ा जो है ये पालतू जानवर है। तो घोड़ा आपका सही है, घोड़ा सबसे अलग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से वही बात कि नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकी उसे भिन्न है? हमेशा एक बात बता दूं कि जब भी क्वेश्चन को करिए क्वेश्चन को पढ़ के करा करिए, नहीं तो गलती होगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि गलत ढूंढिए, सही खुद ब खुद सामने आएगा। कॉफ़ी, चावल, तंबाकू, गन्ना है, 4 तरह के यहाँ पर फसलें दी गई है। तो चारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर है, चारों में कहीं ना कहीं कोई समानता ज़रूर है ये चारों में से। कॉफ़ी को अगर हम हटा दें यहाँ से तो ये नगदी फसल है हमारा, ये क्या है, नगदी फसल है। तंबाकू भी को भी अगर हटाते हैं तो ये भी हमारा नगदी फसल के अंतर्गत आता है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि चावल या गन्ना क्या होगा हमारा सही जवाब। तो मैं आपको बता दूं कि गन्ना भी आपका नगदी फसल के अंतर्गत भी आता है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन चावल बिल्कुल सही है। ये दूसरा ऑप्शन आपका चावल बिल्कुल सही है। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। ये मैं जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें कि काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं कि डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, भिन्नता,
बहुत टॉपिक में, इस टॉपिक में फंसना नॉर्मली सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दिया रहता है कि चार में से तीन अलग है, एक अलग है, तीन समान है। अब यही ढूंढने में बच्चों को काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ गए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। नीचे चार शब्द संख्याएं दी गई है, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से भिन्न है? ये हमारा है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे संजोग की बात देखिए कि लघु कथा प्रेमचंद्र हो गए, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बहुत से महादेवी वर्मा जी ने भी लघु कथाएं लिखी हैं, कविता, उपन्यास, किताब, ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो चार ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हमें ढूंढना है। हमने कई बार देखा है कि कविता और आपका उपन्यास, ये दो समझ में बहुत बच्चे को आ जाता है कि कविता और उपन्यास जो है वो अलग है, ये समझते हैं कई बच्चे फंस जाते हैं कि हमारा किताब, उपन्यास और कविता एक साथ है, लघु कथा अलग है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, रीजनिंग मास्टर से जुड़े हैं, तो हम आपको बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, समझिए। तो लघु कथा आपका, कविता, उपन्यास, ये तीनों जो है, अगर कहीं आपको याद होगा, थोड़ा सा भी अगर जानकारी होगी तो मैं बता दूं कि ये तीनों के तीनों जो है आपके किताब के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये तीनों एक है, मगर कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? तो शब्द बाकियों से भिन्न अगर है तो किताब है, क्योंकि किताब के अंदर ही ये तीनों आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी, और मैंने पहले भी यहाँ पे नोट करा दिया था कि आपका चौथा, चार यहाँ भी लिखा था, और संजोग की बात देखिए कि चार यहाँ भी आपका मिल जा रहा है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कि बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपने रीजनिंग मास्टर को सब्सक्राइब किया है, हमारे साथ जुड़े हैं और पढ़ाई करें, तो आप फंसिएगा नहीं, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और इस बार आप 2024 में सिलेक्शन लेके रहिए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ये पांचवा प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के सॉल्व करना है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करिए, और गलत को ढूंढिए, सही खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो नीचे चार शब्द संख्याएं दी गई, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से भिन्न है? कंप्यूटर, मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फिशिंग का मतलब बहुत बच्चे यहाँ पे मछली पकड़ना समझ जाते हैं कि ये मछली पकड़ना होता है फिशिंग का मतलब, और इसे टिक लगा के आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बहुत से बच्चे फिशिंग को टिक लगा के आते हैं, और इनसे यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो मैं बता दूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं आपको इसका बहुत ही सटीक तरीका बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे होगा, इसका राइट आंसर कैसे, कहाँ से मिलेगा, कैसे बनेगा। कंप्यूटर आपका हो गया, ये अलग है, मालवेयर ये भी अलग है, फिशिंग और रैंसमवेयर, ये फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर, ये तीनों आपके कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर सबसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही है, कंप्यूटर सबसे अलग है, कंप्यूटर जो है वो सबसे अलग है, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको मैं HW के तौर पे दे रहा हूँ, इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगामी किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम फैमिली से भी जुड़ जाइए, और वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए लिंक लगा हुआ है, जहाँ पे आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ मन लगा के पढ़ाई करिए। और एक बात और मैं बता दूँ कि अभी आपका झारखंड SSC का भी फॉर्म आने वाला है, जिसमें कि बहुत ही आपको आसानी होगी फॉर्म भरने में, क्योंकि 40% अन्य स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी तक झारखंड सरकार की यही योजना है कि 40% बाहरी स्टेट वाले भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप जाइए, फॉर्म को अप्लाई करिए, साथ ही
एसएससी एमटीएस का आपका मार्क्स आउट हो गया, तो अभी तक अगर आपने अपना मार्क्स नहीं देखा है कितने नंबर लाए हैं, चाहे फेल हो गए या पास हो गए, मगर अपना मार्क्स जरूर देखिएगा, क्योंकि मार्क्स ही वो वैल्यू रखता है कि आप खुद में आत्मविश्वास जगाते हैं कि हाँ मैंने इतना नंबर लाया। तो जल्दी से जाइए और अपने मार्क्स को चेक करिए। तो ओके बच्चों, चलिए बाय, मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।